चुनावी मौसम में पुलाव और ख्याली पुलाव खूब पका करते हैं। रेलवे के टिकट मिले ना मिले, लेकिन चुनावी टिकट खूब बिका करते हैं। वाह वाह वाह, इन चुनावों के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होते हैं। एक आम आदमी इन चुनावों के बारे में क्या सोचता है, ये जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं तीन खास मेहमान। आज हमारे साथ हैं श्रीमती सविता शर्मा, जो कि एक हाउसवाइफ है। आज हमारे साथ है राजू 30 मार खां, जो कि एक कानूनी मान्यता प्राप्त चोर है। और हमारे साथ है मिस्टर विजय शर्मा, जो कि दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर है। आप सबका स्वागत है जी। चुनावी मौसम के इस डिस्कशन को शुरू करते हुए, जैसे कि आपको पता ही है कि चुनावों के बादल मंडरा रहे हैं और वोटों की बारिश भी होने वाली है, तो ऐसे मौसम को देखते हुए मेरा पहला सवाल ये है कि आप इस चुनावी मौसम के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमारे दर्शकों के साथ अगर अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। शुरुआत हम मैडम ऐसा कि लेडीज फर्स्ट हो जाए। I am so very excited जी। अच्छा, कसम से दिस चुनाव सीजन इज द बेस्ट सीजन फॉर डेमोक्रेसी, है ना? देखो इस सीजन में हम आम लोग भी किंग और क्वीन की तरह फील करते हैं। अरे क्वीन देखिए आपने, कंगना रनौत की क्या बढ़िया एक्टिंग, माय गॉड। अरे मैडम, अभी क्वीन के बारे में बाद में बात करेंगे, हम चुनावी मौसम के बारे में बताएंगे। वही तो मैं कह रही थी मैडम, आपको पता है इस सीजन की सबसे बढ़िया बात क्या होती है? क्या होती है? Everything becomes so cheap. I tell you, madam. और पूछो मत, मज़ा आ जाता है, मज़ा। Fruit सस्ती, सब्जी सस्ती, और तो और KLPD भी सस्ती। KLPD? वो क्या है? KLPD नहीं समझती मैडम। केरोसिन, LPG, पेट्रोल और डीजल। हमारी केएलपीडी कुछ दूसरी हो गया। बस और क्या बताऊं आपको ना, मेरे बच्चे हैं ना बॉबी ते बेबी, वो कितना खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि नेता लोग हाथ जोड़ जोड़ कर घर घर जा रहे हैं चुनाव में वोट मांगने। इसलिए मैडम वो कहते हैं, मम्मी जैसे कि हमने स्कूल में शैतानियों के लिए ना माफी मंगवाई जाती है ना, वैसे ही ठीक ये नेता लोग ये सब सदन में जो शैतानियां करते हैं ना और ये जो दंगा फसाद करते हैं ना, वैसे ही चुनावों में जब ये हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांगने जाते हैं ना। मैं तो कहती हूँ मैडम, ये चुनाव ना 5 साल में एक बार नहीं आने चाहिए, 1 साल में 5 बार आने चाहिए। क्या बात कर रही है? 5 बार, 1 साल में 5 बार, अब देश का बट्टा भर करेंगे क्या? अरे एक चुनाव में इतना खर्चा हो जाता है, 5 बार चुनाव कौन करेगा? सही बात है मैडम, सही बात है। अच्छा चलिए राजू जी, क्या 30 मार खान, आपका क्या विचार है इन इस चुनावी मौसम के बारे में? देखिए मैडम, अपना बोले तो रोज कुआ खोदने का, रोज पानी पीने का, क्या अबे न्यू बॉर्न, रोज कांड करने का और रोज बटर चिकन खाने का। अरे इंस्पेक्टर साहब, अपुन कहा अकेला बटर चिकन खा रेला, अरे अपुन तो पहले आपके पूरे स्टाफ का पेट भरेला, उसके बाद खा रेला वो भी बचा कुचा। बस स्टूडियो में बैठा था। मैडम अपुन क्या बोल रहा था ना, अभी क्या है ना, ये चुनाव जब आता है ना और नहीं आता है ना तो अपनी क्या हालत होती है, अभी आपको बताता है। ये चुनाव आने से पहले ना अपुन जो है फ्रीलांसिंग करता, खुद वारदात करता, खुद खाता, और चुनाव आने के बाद ना ये गुंडे लोगों के लिए काम करता अपुन। हाँ क्या बात करते हैं आप, बड़े बड़े चोरों और गुंडों के लिए काम करते हैं? हाँ, बड़े लोग बोले तो ये नेता लोग गुंडे। अब देखो ना मैडम, ये लोग भी खाते हैं, अब उन लोग भी खाते हैं,
भाई देखो हम तो लिमिटेड खाते हैं, ये अनलिमिटेड खाते हैं। हाँ, और तो और मैडम इनकी इज्जत है, अपन बदनाम है। अरे बस इतना ही फर्क है अपन दोनों लोगों में बस। हाँ ओहो, तो आप ये बता सकते हैं कि आप इन लोगों के लिए क्या काम करते हैं? अभी यार मैडम अपन इनकी रैली के लिए लोगों को पकड़ पकड़ के लाता है, और इनकी विरोधी रैली जो होती है ना उसमें घुसकर मार कुटाई करता है अपन। कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर दंगा फसाद कराता है अपन लोग, और क्या। अरे बाप रे बाप, दंगे और फसाद करवाते हैं। इंस्पेक्टर साहब आपका क्या ख्याल है इन चुनावों के बारे में? ऐसा है जो भी राजू ने कहा ना बिल्कुल सही कहा। ये जो राजू है ना ये हमारा पुराना वफादार छोटा मोटा चोर है। ये खुद भी खाता है और हमें भी खिलाता है। इससे डील करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें प्रॉब्लम होती है इलेक्शन वाले दिनों में खद्दरदारी गुंडों और खद्दरदारी चोरों से डील करने में। अजी वो बड़ी टेढ़ी खीर है जी, बड़ी टेढ़ी खीर है। हाँ जी अजी, वो इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि उनके स्विस बैंक में खाते हैं। इन लोगों ने क्या किया है मैडम, इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने लीगल जो लूटपाट है उसको सबको लीगल कर दिया, लीगल। ये लोग क्राइम नहीं करते हैं, ये लोग आजकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और हम लोगों को ना सिर्फ इनके साथ इनकी क्राइम करने में सहयोग करना पड़ता है बल्कि इनको सल्यूट भी मारना पड़ता है। अच्छा हमें सल्यूट मारने में भी कोई प्रॉब्लम ना सह, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि जब हम इन्हें सैल्यूट मारते हैं तब हम हिंद की जय कैसे कहें? अरे इन चोरों के सामने हम जय हिंद कैसे कहें मैडम? जो प्रॉब्लम है हमारी, मैं समझती हूँ। चलिए उन चोर उचक्कों के सामने तो आपको जय हिंद करने में परेशानी है, लेकिन अपने स्टूडियो में दर्शकों के सामने आपको कोई परेशानी नहीं? अरे नहीं मैडम, दर्शकों और अपने देशवासियों के लिए जय हिंद करने के लिए तो हम हमेशा तैयार है मैडम। तो चलिए मिलकर बोलते जय हिंद।